शाम का टाइम हो चुका है और हम अभी आए हैं। कार्यक्रम स्टार्ट है, ये चल रहा है अभी यहाँ से ऊपर तक। इसको पूरा खोदना है, इसमें कंडाली उगी हुई थी ये हमने काट दी है। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है ऊपर तक खोदने में। बने रहिए, देखते रहिए इसमें बोएंगे क्या माच। सो गाइस, मैंने इसको इतना ही कर पाया है कंप्लीट। अभी चलते हैं दूसरे खेत की ओर। और ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है काम। पसीना भी हो चुका है, वर्कआउट की कोई जरूरत नहीं है आज। हाँ, ये भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है फार्मिंग का काम। अब देखते रहिए इसमें क्या क्या होने जा रहा है आज। सो गाइस, इस तरीके से इसमें नालियाँ बनाई जाती है, फिर जाके इसमें बीजों को रोपा जाएगा। और बॉडी काफ़ी हीट हो चुकी है लग रहा है, जैसे मैंने 15-15 की 30 का सेट मारा हो, ऐसा फील कुछ आ रहा है। चलिए देखते हैं अभी कितना प्रोग्रेस होएगा। जब तक बगीचे में हूँ के बाद ये फिजिक आपको एक बार दिखाएंगे जरूर। बने रहिए, देखते रहिए हमारे कनेक्टेड वाइफ चैनल को। तो गाइस, अभी ये वाला चल रहा है स्टार्ट। इसके उधर जहाँ तक वो पत्थर है, ये वाला वहाँ तक भी करना है। देखते हैं कितना टाइम लगता है, पूरा चैलेंज करके चलते हैं आज। एक घंटे में क्या पता हम इसको ख़त्म कर पाते हैं या नहीं, टाइम देखते हैं 4-5 और चैलेंज एक्सेप्ट है। देखते हैं कितना बचता है, पूरा एक घंटे का टाइमर लगा देता हूँ, उसके बाद ही चेक किया जाएगा फिर से फोन। बने रहिए, देखते रहिए कनेक्टेड वाइब्स और कैमरे पे। शायद बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, कैमरे पे पानी पड़ गया था इसकी वजह से थोड़ा सा ब्लर आ गया था। चलो करते हैं स्टार्ट काम। डूंगा पे रह गई, छोड़ दी डूंगा।
बोल दो भाई नाना है नदियों का निर्माण, जो नदियाँ बनी है इनमें भी फसल देखते हैं क्या लगाते हैं। इतना पसीना हो चुका है गाइस, थोड़ा बहुत इसमें पानी भी है, आधा पसीना भी है, तो हम फिलहाल अपना काम करके आ चुके हैं ऊपर और बॉडी काफ़ी पंप में है, तो अभी कपड़े उतरने का सवाल नहीं पैदा होता है। उसके बाद निकलेंगे डायरेक्ट गाँव, कल के एक दिन की छुट्टी रखते हैं अपनी, और काफ़ी हैंडसम होते जा रहे हैं, तब से उल्ट्रा में आए हैं। ये देखिए गाइस, बने रहिए करेक्टर टाइप के साथ, देखते हैं शाम को आपको किससे मिलाते हैं कहाँ जाते हैं। इस बारिश होने के बाद आसमान साफ हो चुका है, तो थोड़ी देर पहले बूंदाबांदी चल रही थी, सिस्टम हो चुका है आसमान साफ और हम निकल रहे हैं डायरेक्ट यहाँ से। तो आप देख सकते हैं बगीचे का नज़ारा कुछ इस तरीके से हो चुका है। आज हमने ये वाला खेत और एक वो सामने जिसमें नाली बनी है वाला खेत लगाया है पिताजी ने, और बाकी अपने बस नीचे पे चुप रहे हैं। चल रहे हैं डायरेक्ट उसी जंगल वाले रास्ते जहाँ से सुबह आए थे गाड़ी छोड़ के, जिसकी वजह से लेट हुए थे। तो चलते हैं वापस एक बार पुनः गाँव की ओर, तो बने रहिए, देखते रहिए कनेक्टेड वाइफ्स।